आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश खबरों की। मऊ में गृह मंत्री अमित शाह ने विपक्षियों पर जमकर निशाना साधा। रानीपुर में हुई आयोजित जनसभा में वो बाहुबली सदर विधायक मुख्तार अंसारी पर जमकर गरजे। अमित शाह ने कहा कि योगी सरकार ने माफियाओं को चुन चुन कर बर्बाद कर दिया है। 5 साल की योगी सरकार में मऊ में किसी भी दंगा करने की हिम्मत नहीं हुई और इसी के साथ उन्होंने बीजेपी प्रत्याशी को जिताने की अपील की। इसके अलावा अमित शाह ने कृष्णानंद राय की हत्या का जिक्र कर जेल में कैद बाहुबली विधायक पर भी खूब वार किया। मिर्जापुर नगर विधानसभा क्षेत्र के बसही मैदान में उड़न खटोले से पहुंचे असदुद्दीन ओवैसी ने जमकर निशाना साधा। जनसभा को संबोधित करते हुए इस दौरान उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी अभी सत्ता में नहीं है, इसके बावजूद भी अपने मंच पर किसी अल्पसंख्यक समाज के मुसलमानों को बैठाने से कतराती है। हिजाब के मामले में अखिलेश गूंगे हो जाते हैं। गोरखपुर में छठे चरण में मतदान हुआ, वहीं आजादी के बाद पहली बार वन टांगिया समुदाय ने वोट डाला। इस दौरान उन्होंने कहा कि तकरीबन 3 से 4 हजार की आबादी वाले ये समुदाय आजादी के बाद से अभी तक इस अधिकार से वंचित थे, लेकिन सरकार के प्रयास के बाद पहली बार ये समुदाय आज वोट डालने अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा है और इनके चेहरे पर खुशी साफ झलक रही है। गोरखपुर के वनटांगिया में 74 साल बाद आज़ादी के 74 साल बाद जो है वोट देने का मौका मिला। ऐसे में हम देख सकते हैं कि काफ़ी तादाद में यहाँ पे लोगों ने भारी तादाद में वोटिंग किया है। इस समय तो भीड़ कम है, ऐसे में चूंकि यहाँ पे 1074 वोट है और हम देख सकते हैं कि सुरक्षा व्यवस्था पूरी चाक चौबंद है। जितने भी फोर्स के जवान हैं, प्रशासन है, यहाँ पर निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए उत्सुक है। और ऐसे में हम बता दें आपको कि यहाँ पर निष्पक्ष चुनाव कराने के साथ साथ पहली बार ऐसा मौका होगा कि जब पंटांगिया के लोग अपने मताधिकार का प्रयोग करने जाएंगे। कैमरा पर्सन उज्जवल के साथ हिमांशु श्रीवास्तव, प्राइम टीवी, गोरखपुर। विधानसभा चुनाव के छठे चरण का मतदान हुआ। जिले के सभी 5 विधानसभा क्षेत्रों में बूथों पर मतदाताओं में काफी उत्साह नजर आया। वहीं सिद्धार्थनगर के 306, डुमरियागंज विधानसभा के प्राथमिक विद्यालय मधुकरपुर में बूथ संख्या 11 में भी लोगों ने मतदान किया। वहीं वोटर्स ने महिला सुरक्षा, राष्ट्रहित सहित विकास के मुद्दों पर वोट किया। पहली बार मतदान कर रहे वोटरों में भी खास उत्साह देखने को मिला। प्राथमिक विद्यालय मधुकरपुर का ये कौन सा बूथ संख्या है? बूथ संख्या 11। इस पर कुल कितने वोटर हैं? 478 वोटर्स हैं, जिसमें से 265 मेल्स हैं और 213 फीमेल्स हैं। नए वोटर भी शामिल हुए हैं? जी नहीं। आपने वोट डाल दिया? हाँ। किन मुद्दों को लेकर के वोट डाला है? भाजपा को वोट दिया। नहीं नहीं, मुद्दा क्या था आपका? कौन से मुद्दों को? सबका साथ सबका विकास। मुद्दा ये है कि भारतीय जनता पार्टी जब से आया है तब से किसी चीज़ की कोई परेशानी नहीं, ना कोई दंगा फसाद, हर आदमी का सुख और शांति है। यूक्रेन में फंसे फरीदाबाद जिले के बच्चों के बारे में डिप्टी कमिश्नर जितेंद्र यादव ने कई बातें बताई। उन्होंने बताया कि उपलब्ध कराए गए डेटा के अनुसार फरीदाबाद के कुल 117 बच्चों की लिस्ट उन्हें मिली थी, जिसमें से 113 बच्चों के परिजनों से संपर्क कर लिया गया है, जबकि 4 बच्चे अन्य राज्यों और अन्य जिलों के थे। उन्होंने बताया कि अब तक 51 बच्चे अपने घर पहुँच चुके हैं और आज शाम तक 8 से 10 बच्चे और भी पहुँचने की उम्मीद है। नहीं, फरीदाबाद ज़िले की बात करें तो फरीदाबाद के टोटल जो MEA से हमारे पास डाटा आया है 117 बच्चे, और हरियाणा सरकार से जो हमें आदेश मिले थे डिवीज़न कमिश्नर और हमारे रेजिडेंट कमिश्नर संजय जून सर है वो इसके नोडल अधिकारी हैं, तो उनके निर्देशों के बाद जो डायरेक्शंस आई थी 117 के 17 जो बच्चों के घर पर हमने विजिट किए हैं। हमारे तहसीलदार, नायब तहसीलदार और सीनियर ऑफिसर्स ने पर्सनली वहाँ जाके उनके परिवार वालों से मदद की है।
117 में से 113 घर हमने विजिट कर लिए। चार बच्चे फरीदाबाद जिनका एड्रेस था वो गलत था, एक नासिक से था, एक पलवल डिस्ट्रिक्ट से था, एक रेवाड़ी में शिफ्ट हो गए, एक गुड़गांव में। 113 हमने कल शाम को 2 तारीख को शाम तक सभी फैमिलीज मेंबर्स को कनेक्ट कर लिया है। 113 में से कल जो हमने डाटा कंपाइल किया था, 51 बच्चे जो हमारे फरीदाबाद के बच्चे थे वो अपने घर आ चुके हैं। बाकी आज भी मेरे ख्याल से 8 से 10 बच्चों को आने की उम्मीद है। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में छात्रों ने रूस की तरफ से यूक्रेन में किए जा रहे हमले के विरोध में मार्च निकाला। मार्च निकालकर यूक्रेन युद्ध विराम का शांति बहाल करने की मांग की, साथ ही मारे गए भारतीय छात्र नवीन के शव को भारत शीघ्र लाने की मांग की है। प्रदर्शन करने वाले छात्रों ने केंद्र सरकार को आंतरिक और विदेश नीति पर पूर्ण रूप से फेल बताया। वहीं ACM द्वितीय सुधीर कुमार ने बताया कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के छात्रों ने यूक्रेन मामले को लेकर राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन भी सौंपा है। ये अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के छात्र नेताओं ने और कुछ छात्रों ने जो वर्तमान में रूस और यूक्रेन के मध्य विवाद और युद्ध चल रहा है उसमें जो हमारे भारतीय छात्र और भारतीय नागरिक जो यूक्रेन में फंसे हुए हैं उनको यथाशीघ्र लाने के लिए एक ज्ञापन माननीय राष्ट्रपति महोदय को संबोधित दिया है, जिसको यथाशीघ्र आवश्यक कार्रवाई के लिए वहाँ पहुँचाया जाएगा। मुझे जानकारी है, कल एक लिस्ट ADM FR साहब के चैम्बर में हम लोग डिस्कस कर रहे थे, 27 बच्चे जो अभी स्टूडेंट्स हैं वो लोग अभी वहाँ फंसे हुए हैं, जिनके हम लोग कल सभी 27 बच्चों के परिवार वालों के पास गए, सभी की ड्यूटीज़ लगी थी, सब लोग गए, चार परिवारों में हम भी गए, सबको सांत्वना दिया कि उसको बताया कि केंद्र और राज्य सरकार दोनों जो है युद्ध स्तर पर सभी को लाने के लिए प्रयासरत हैं। मिर्जापुर में 7 मार्च को मतदान होगा, जिसके चलते मंडल आयुक्त योगेश्वर मिश्रा के नेतृत्व में लोगों को जागरूक करने के लिए गंगा में नाव द्वारा रैली निकाली गई। इसी क्रम में मंडलायुक्त योगेश्वर मिश्र ने नार घाट से बढ़िया घाट तक गंगा रैली नाव के द्वारा निकाली, जिसमें जिलाधिकारी प्रवीण कुमार लक्षकार समेत कई अधिकारी उपस्थित रहे। को अंतिम चरण में 7वां चरण भी है हमारे जनपद मिर्जापुर का और मिर्जापुर मंडल के तीनों जनपदों का मतदान इसी दिन होगा और मतदाताओं को जागरूक करने के लिए, मतदाताओं से अपील करने के लिए अनेक माध्यमों के द्वारा, प्रतीकों के द्वारा, संदेशों के द्वारा जिला प्रशासन निरंतर प्रयास कर रहा है मतदाताओं की जागरूकता के लिए। अलीगढ़ के CMO नीरज त्यागी ने तहसील इगलास के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में आशा और डॉक्टरों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक की और दिशा निर्देश भी दिए। बैठक में सभी आशाओं को IMI, पल्स पोलियो और TB के रोगियों से संबंधित जानकारी दी गई। CMO अलीगढ़ नीरज त्यागी द्वारा सभी आशाओं को बताया गया कि जितने भी गर्भवती महिलाओं के बच्चे IMI से छूटे हुए हैं उन्हें 7 तारीख से शुरू होने वाले अभियान में पूर्ण किया गया। देखिए, ये इसको आप निरीक्षण नहीं कहें, ये बेसिकली क्या है कि जो 7 तारीख से IMI होना है, जो छुटे हुए बच्चों तक हमें टीकाकरण की पहुंच करना है, गर्भवती महिलाओं तक हमें टीकाकरण की पहुंच करना है, या 10 तारीख से जो हमें घर घर पहुंच TB के सक्रिय रोगी को खोजना है, या 20 तारीख से जो हमें पल्स पोलियो करना है, तो उस सब के लिए एक छोटा सा रीओरिएंटेशन मीटिंग था। और आशा चूँकि हमारा बेसिक वर्कफोर्स है तो कहीं ना कहीं उनके लिए एक ये संवेदीकरण बैठक थी। खबर लखनऊ से है, जहां पे कई वर्षों से अपनी जगह पर रह रही बुजुर्ग महिला प्रभु दे ने आलमबाग में मंदिर के गेट को लेकर एक बार फिर से आवाज उठाई है। बता दें कि विगत कई दशकों से अपनी जमीन पर मंदिर की देखरेख के लिए उन्होंने पवन तिवारी नामक शख्स और बतौर पुजारी उनको मंदिर की जिम्मेदारी सौंपी थी, लेकिन बगल में ही रह रहे पड़ोसी उस मंदिर में गेट लगाने पर एतराज कर रहे हैं। बताया ये जा रहा है कि मंदिर प्रांगण में जो दबंग हस्तक्षेप कर रहा है वो काफी रसूखदार है। बेलावा कॉलोनी, वहां पर जबकि वो 10-10 को रजिस्ट्री हुई है ये 2021 में, और उसके बाद से तब से हमने बाउंड्री करवाया
अब उसमें बगल वाले जो पड़ोस हैं रामजी सिंह, वो गेट नहीं लगने दे रहे हैं मंदिर का, जबकि उनका रोशनदान है और उसकी वजह से तो किसी का प्लाट खाली पड़ा था तो आप रोशनदान इत्यादि कर सकते थे, लेकिन जब अगले का बनेगा तो वो तो गेट लगाएगा ही, तो गेट नहीं लगवाने दे रहे हैं, जबकि हमने अप्लीकेशन थाने पर भी दे रखी है, CO साहब से भी मिल चुके हैं, लेकिन कोई अभी तक 10 तारीख तक अनुशासन दिया गया था कि 10 के बाद देखा जाएगा। मेरी ज़मीन है, मैं इनको पंडित पुजारी को अनुमान दिया है कि देखभाल करो, पूजा करो, ना दस्तखत से बेच सकते हैं ना कुछ कर सकते हैं, हमारे बगैर दस्तखत के ये दान का बनाए, पूजा बनाए और मंदिर बनाए, इसलिए हमने दिया, बेचने के हल लिए नहीं दिया और ना कोई पैसा लिया दान में। खबर श्रावस्ती से है, जहां खाद्य विभाग के कर्मी बनकर वसूली करते हुए दो लोग पकड़े गए, जहां इकोना बाईपास पर होटलों और कई दुकानदारों से लाइसेंस बनाने के नाम पर वो वसूली करते थे, वहीं दुकानदारों ने शक के आधार पर खाद्य विभाग के अधिकारियों को मामले की जानकारी दी, फिर पूरे मामले का भंडाफोड़ हुआ, वहीं दोनों आरोपियों को पुलिस के हवाले कर दिया गया है और पुलिस मामले की जाँच में जुट गई है। से आया बाईपास पे पहुंचा ही था तो भाई साहब लोग बाहर बेंच लगा करके कुछ फाइल वाइल लेकर के बैठे थे, हमने इनसे बात किया कि आप लोग ये कौन सा लाइसेंस बना रहे हैं, तो इन्होंने बताया कि हम फ्रूट सेल विभाग से आए हुए हैं, 800 रुपये दुकान वालों से और ठेला वालों से लेकर के हम लाइसेंस बना रहे हैं। ठीक, तो हमने DO से बात किया, DO की आवाज़ हमारे पास रिकॉर्डिंग है, तो DO साहब ने कहा कि हमारे यहाँ से कोई किसी प्रकार का कोई व्यक्ति भेजा नहीं गया है और ना हम लोग उन लोगों को ऑथराइज किए, ये भाई साहब थे उन्होंने अपने किसी कर्मचारी से बात करवाया तो इनके कर्मचारी ने मुझसे साफ शब्दों में कहा कि मैं भारतीय जनता पार्टी से ताल्लुकात रखता हूँ, RSS का आदमी हूँ, FIR लिखवा दूंगा, ये 150 का लाइसेंस आपसे 2000 लेता है, आप नहीं हल्ला करते हैं और मैं 800 ले रहा हूँ तो क्या गुनाह है। दिल्ली से सटे फरीदाबाद के सिविल अस्पताल बादशाह खान में विश्व श्रवण दिवस मनाया गया, जहां मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे फरीदाबाद के सिविल सर्जन डॉक्टर विनय गुप्ता ने अस्पताल में आए लोगों को और अस्पताल स्टाफ को इसके बारे में कई अहम जानकारियां दी। उन्होंने बताया कि हर साल 3 मार्च को ये दिवस मनाया जाता है, वहीं उन्होंने लोगों को संदेश देते हुए कहा कि किसी भी सूरत में अपने कान से छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए, यहाँ तक कि जो लोग नहाने के बाद ईयरबड का प्रयोग कान से पानी साफ करने के लिए करते हैं उन्हें कभी भूल कर भी ऐसा नहीं करना चाहिए। कान में सर थोड़ा सुनाई कम शुरू हो गया था, अच्छा, भारीपन था थोड़ा कान में, हाँ। तो अब मेरे को रिलीफ है, जो डॉक्टर साहब ने जो ट्रीटमेंट दिया जी उससे भी फर्क है। दिक्कत कैसे हुई थी आपको? सर कान में बर्ड मारा था, बर्ड मारा था, हाँ, साफ करने के लिए, अच्छा अच्छा, तो नहाने के बाद पानी चला गया था तो हाँ। उसके चक्कर में बर्ड मारा था, वो जो मैल थी जो हाँ। वो पर्दे तक चली गई, वो अंदर चली गई थी, हाँ। तो वो जो अपने जो बर्ड मारा उसी से दिक्कत बड़ी थी आपको? हाँ जी, ठीक है, तो वो लगाना चाहिए कान में, कोई चीज़ लगानी नहीं चाहिए? वैसे मेरे ख्याल से नहीं लगानी चाहिए। हर एक साल 3 मार्च को वर्ल्ड हियरिंग डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। हमारे आज के कार्यक्रम का मोटिव ये था कि लोगों को अवेयर किया जाए, वो जल्द से जल्द आकर अपने आप को दिखाएं, जिससे कि उनकी बीमारी को अर्ली स्टेज में पकड़कर उसका निवारण किया जा सके और वो बीमारी तेज़ी से ना बढ़े। आज 3 मार्च को 4 साल से WHO हम वर्ल्ड हियरिंग डे मना रहे हैं, इसको हम इस तरह से मनाएंगे कि हमने जनता में जागरूकता जगाने का हमने ये स्टार्ट किया है कि कान को अगर हम अच्छी तरह से प्रोटेक्ट करें तो हम लाइफ लॉन्ग अच्छा सुन सकते हैं। कान का कॉमन इन्फेक्शन हो जाता है छोटे बच्चों में, जैसे माएँ बच्चों को लेट के दूध पिलाती हैं, उसकी वजह से कानों में इन्फेक्शन हो जाता है, वो हम ज़रूर बचा सकते हैं ब्रेस्ट फीडिंग अवेयरनेस बता के कि जितना हो सके बिठा के दूध पिलाएँ तो कान ख़राब नहीं होगा। और अगर कान से पानी भी आता है तो बच्चे में, स्कूल में टीचर्स जो बच्चे जान रहे हैं उनको समझ में आ जाएगा, तो वो जल्द से जल्द डॉक्टर के पास भेजें ताकि इलाज से कान ठीक हो पाए। इवन सर्जरी भी है तो माइनर है तो हम कान ठीक कर सकते हैं, तो आके मिलें ज़रूर डॉक्टर को, दिखाएं ताकि कान सही हो सके।
खबर फरीदाबाद से है, जहां लगातार प्रदेश में दुष्कर्म जैसी घटनाएं बढ़ रही हैं। ऐसे में सरकार लगातार जागरूकता अभियान चला रही है। वहीं फरीदाबाद के सीजीएम मंगलेश कुमार चौबे लगातार स्कूलों में जाकर छोटे बच्चों को चाइल्ड सेक्स एब्यूज के बारे में जानकारी दे रहे हैं। मंगलेश कुमार चौबे ने बताया कि वो लगातार स्कूलों में जाकर बच्चों को समझा रहे हैं कि गुड टच और बैड टच में क्या अंतर है। यदि कोई उसके साथ गलत व्यवहार करता है तो उसकी शिकायत करनी चाहिए। अपने साथियों को बताएंगे कि वो सभी बातें शेयर करें अपने पेरेंट्स से, टीचर्स से, फ्रेंड्स से, और कुछ बात छुपानी नहीं चाहिए बड़ों से। थैंक यू। आज हमारे स्कूल में सीजीएम साहब आए थे, उन्होंने सेक्स अब्यूज के बारे में बताया था कि गर्ल्स को कैसे अपनी वो करनी चाहिए, एक्शन लेना चाहिए। कोई उनसे कुछ कहता है तो उन्हें उस पर रोकना चाहिए, पूछना चाहिए क्यों कर रहे हैं, क्यों ऐसा कर रहे हैं हमारे साथ, कहाँ लेकर जा रहे हैं, किस लिए लेकर जा रहे हैं। हम अपने पेरेंट्स को बताएं इस बारे में जो जो हमारे साथ होता है। अगर वो नहीं सुनते हैं तो हम टीचर से आकर बोलें। अगर टीचर भी नहीं सुनते हैं तो पुलिस थाने में जाएं, पुलिस स्टेशन में, वहाँ हमारे वहाँ कानूनी सुरक्षा के लिए हमें उपलब्ध कराया हुआ है, वहाँ जाकर हम उनसे बात करें ताकि वो हमारी सुरक्षा प्रदान कर सकें। आज हमने हमें सर जी ने बताया कि हमें अगर कोई बहला रहा, फुसला रहा है, या फिर कोई टॉफी दे रहा है, या कोई भी चीज़ दे रहा है या बुला रहा है, तो उससे पहले हमें क्वेश्चन करना चाहिए, वाई, व्हाट, क्या, क्यों, क्यों जाना मुझे, किसने बुला रहे हैं आप, चाहे वो कोई भी हो, सबसे पहले क्वेश्चन करना चाहिए। जिसके वजह सबसे पहले हमें क्वेश्चन करना चाहिए कि क्यों बुला रहे हैं आप हमें, फिर उसके साथ तो जाना चाहिए, किसी के साथ अकेले नहीं जाना चाहिए। हाँ, और अगर कोई ऐसा होता है तो किसको बताएंगे आप, किसको? सबसे पहले हम अपने पेरेंट्स को बताएंगे ये बात। अगर पेरेंट्स नहीं सुनते तो टीचर, अगर टीचर नहीं सुनेंगे तो पुलिस, अगर पुलिस नहीं सुनती है तो हम वकील के पास जाएंगे। आजकल आप लोगों ने देखा होगा समाज के हर वर्ग में, हर स्टेज पर बच्चों को शोषित किया जा रहा है, और पर्टिकुलरली सेक्स से रिलेटेड शोषण हो रहा है। बच्चों को जागृत करने के लिए डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी ने ये प्रोग्राम रखा हुआ है, ताकि बच्चों को अभी इसी स्टेज पर ही अवेयर कर दिया जाए कि किस तरह से अब्यूज़ किया जाता है और आपने करना क्या होता है। हमारा काम तो ये है कि बच्चों को प्राइमरीली ये बता दिया जाए कि आपके क्या राइट्स होते हैं, क्या ड्यूटीज़ है, आपने क्या करना है, क्या नहीं करना है। हम उनको अवेयर करते हैं बेसिकली कि आज से, चूँकि आप देश के भविष्य हैं, आपको यदि आज से ही पता हो जाएगा कि आपके राइट्स क्या हैं, ड्यूटीज़ क्या हैं, कब क्या करना है, तो आप आगे जीवन में बहुत कुछ करना शुरू कर देंगे और कर देंगे जो चीज़ इस देश की ज़रूरत है। जो सीतापुर में बुधवार को सिधौली कस्बे से दिल दहला देने वाली एक खबर सामने आई। बता दें कि सिधौली क्षेत्र के कस्बे में एक अज्ञात शव नाले में तैरता हुआ पाया गया, जिसे देख लोगों ने इसकी सूचना तत्काल कोतवाली सिधौली में दी। सूचना पाते ही पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पंचनामा भर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं अब तक शव की शिनाख्त नहीं हो पाई है। रायबरेली में जमीनी विवाद को लेकर दो पक्ष आमने सामने आ गए। दोनों पक्षों में जमकर लाठी डंडे चले। मारपीट में तीन लोग गंभीर रूप से घायल हो गए और एक की हालत गंभीर होने पर उसे जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया गया है। पास में सलेमपुर गांव है, वहां से तीन लोगों को पुलिस लेकर आई थी। उसमें तीन लोगों को चोट लगी हुई थी, तो उनमें से एक व्यक्ति को तो थोड़ा चोट गंभीर थी, ज्यादा प्राथमिक उपचार के बाद उसको जिला अस्पताल के लिए रेफर किया गया, और बाकी दोनों की सामान्य चोट से ज़्यादा गंभीर नहीं थी, तो उनको उपचार के बाद दवाई पर वहीं करके उनको घर भेज दिया गया। प्रतापगढ़ से सड़क हादसे की खबर सामने आ रही है, जहां कोतवाली नगर थाना क्षेत्र में तिवारी का पुरवा बड़नी गांव के पास अज्ञात वाहन ने तीन बाइक सवार लोगों को टक्कर मार दी, जिसमें बाइक सवार आधा दर्जन लोग घायल हो गए हैं। सूचना पर मौके पर पहुंचे पुलिस ने सभी घायलों को अस्पताल पहुंचाया, परिजनों को घटना की जानकारी दी।
अमेठी के जगदीशपुर थाना क्षेत्र में खेत के किनारे झोपड़ी में सो रहे अधेड़ की गला रेत कर हत्या कर दी गई। ग्रामीणों ने संदिग्ध हालत में अधेड़ का शव देखा। शव को देखने बाद पुलिस को सूचना दी गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मामले में खुलासा करने के लिए पुलिस आसपास के गाँव में लोगों से पूछताछ कर रही है। वही पुलिस ने बताया कि जल्द ही खुलासा किया जाएगा। पप्पू यादव मेरा नाम है, मेरे पिताजी का राम मिलन यादव नाम है। ये यहाँ रात में सो रहे थे, इनको उठा के ले गया, इनकी गर्दन काट दिया, इनके 1500 जो रुपए थे वो भी निकाल लिया। इनको यही लग रहा कि ये आरे बगल का आदमी है, कोई दूसरा नहीं है। मूल जानकारी मिलेगी तो बताएंगे, अभी कोई पता नहीं। अभी तहरीर दिया कि नहीं दिया? अभी नहीं दिया हमने। आज सुबह लगभग 7 बजे के आसपास राम मिलन यादव उनकी हत्या की गई है। इनके परिवारिक जन द्वारा सूचना दी गई कि नहर के किनारे गांव के बगल में माहेमरु गांव पड़ता है, उनकी डेड बॉडी पड़ी है। सूचना पर तत्काल मौके पर शव को कब्जे में लेकर पीएम के लिए भेज दिया गया है। मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है और आगे की कार्रवाई की जाएगी। इसमें जो भी घटना में इन्वॉल्व होगा उसको अलाउट करके कार्रवाई की जाएगी। उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।